हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हम हरियाणा करंट अफेयर्स का पार्ट कवर कर रहे थे और उसका ये तीसरा वीडियो है। हरियाणा करंट अफेयर्स के ऊपर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे जिनकी एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हरियाणा सरकार ने टिम्बर हेल्थ केयर और शिक्षा के लिए रूस के साथ एक समझौता किया है। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने टिम्बर टिम्बर होता है लकड़ी, हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड, शिक्षा यानी एजुकेशन के लिए, इन चीज़ों में अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए रूस के साथ एक समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, सनी गोयत का भारत की दिव्यांग क्रिकेट टीम में चयन हो गया है। दोस्तों, ये सनी गोयत हैं, इनका जो भारत की दिव्यांग क्रिकेट टीम है उसमें चयन हो गया है। विकलांगता शब्द को हटाकर भारत सरकार ने एक शब्द यूज़ किया है, दिव्यांग। तो आगे से हम विकलांग को विकलांग ना कह के दिव्यांग कहेंगे। ये उनका डिसेबल्स का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने ये शब्द यूज़ किया है। तो सनी गोयत हैं, उनको यहाँ दिव्यांग क्रिकेट टीम में जगह मिली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा के भिवानी व महेंद्रगढ़ को सम्मानित किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2015 में 22 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी हरियाणा के पानीपत से। उसी को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार लगातार उन जिलों को सम्मानित कर रही है जहाँ पर ये रेशो बढ़ा है, यानी बेटियों का जो रेशो है वो बढ़ा है। तो 2019 में भिवानी और महेंद्रगढ़ को सम्मानित किया गया है इस सीरीज में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया मुक्त अभियान की शुरुआत मेवात से अनिल विज ने की है। अनिल विज हरियाणा के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने ये मलेरिया मुक्त अभियान की शुरुआत की है मेवात से। हरियाणा के 17 खिलाड़ियों ने पुलिस गेम्स में पदक जीते हैं। दोस्तों, पीछे पुलिस गेम्स हुए थे वहाँ पर हरियाणा के 17 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। सोनिया लाठर को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये सोनिया लाठर हैं, ये एक खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला अर्जुन अवार्ड दूसरे नंबर का बड़ा सम्मान है। पहले नंबर का जो सम्मान है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है और दूसरे नंबर पे अर्जुन अवार्ड आते हैं। और जो कोच होता है उसको दिया जाने वाला पुरस्कार होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, क्योंकि आपको पता ही है कि द्रोणाचार्य एक गुरु थे और कोच होता है वो भी खिलाड़ियों का गुरु होता है, उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और खेल के क्षेत्र में दूसरे नंबर का पुरस्कार अर्जुन अवार्ड होता है, ये सोनिया लाठर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में 10 नए आयुष केंद्र खोले जाएंगे। 10 नए आयुष केंद्र हरियाणा में खोले जाएंगे। इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा में 29 अगस्त को फिट इंडिया की शुरुआत की गई खेल दिवस के अवसर पर। दोस्तों, 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर हैं, जादूगर कहे जाते थे, उन्हीं को सम्मान देने के लिए खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था यूपी में, और हॉकी का इन्हें जादूगर भी कहा जाता है, उन्हीं के सम्मान में ये खेल दिवस मनाया जाता है। आगे देखें, हरियाणा विधानसभा के चुनाव 21 अक्टूबर को संपन्न हुए जिसमें बीजेपी की 40, कांग्रेस की 31, जेजेपी ने 10 सीटें जीती हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 21 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे और ये 14वीं विधानसभा के चुनाव थे हरियाणा में। इसमें कुछ एक निर्दलीय विधायक भी रहे हैं, लेकिन जिन विधायकों को पार्टी ने टिकट दिया था वो जो विजयी हुए हैं वो हैं, बीजेपी के 40 हैं, कांग्रेस के 31 हैं, जेजेपी के 10 हैं। जेजेपी हरियाणा में एक नई पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, और जैसा कि आपको पता है बाद में बीजेपी और जेजेपी ने मिल के हरियाणा में सरकार बनाई है। श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और जो दुष्यंत चौटाला है वो हरियाणा के डिप्टी सीएम बने। ये हरियाणा की 14वीं विधानसभा है अभी जो हाल ही में चल रही है। अगला क्वेश्चन देखें, हरियाणा को विद्युत उत्पादन में देश भर में प्रथम स्थान मिला है। दोस्तों, विद्युत उत्पादन में हरियाणा को पूरे
मतलब देश भर में प्रथम स्थान मिला है। जैसा कि आप जानते हैं 1970 में पूरे हरियाणा में बिजली घर घर पहुंच गई थी। अगला क्वेश्चन देखें, सोनाली बनर्जी जो करनाल से हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक दिन का सांसद बनाया गया इन्हें। सोनाली बनर्जी को करनाल से बिलोंग करती हैं, इनको ऑस्ट्रेलिया में एक दिन का सांसद बनाया गया है। दोस्तों नायक फिल्म देखी होगी आपने, नायक फिल्म में भी जो जो ये है अनिल कपूर हैं, अनिल कपूर को जो अमरीश पुरी थे उस फिल्म में जो सीएम के पद पे थे, उन्होंने एक दिन का सीएम बनाया था अनिल कपूर को। ठीक उसी तरह सोनाली बनर्जी को ऑस्ट्रेलिया में एक दिन का सांसद बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचकुला के कालका विधानसभा का धामण गांव हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। दोस्तों पंचकुला का कालका विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ पर एक गांव है धामण गांव, वो हरियाणा का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र रहा है। और हरियाणा में चुनाव के समय 1,83,90,527 मतदाता थे। ये एक आंकड़ा है दोस्तों, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे जिस सोर्स से ये आंकड़ा मिला है उसमें 1,83,90,527 मतदाता थे। और एक और मैं आपको मतदाताओं से रिलेटेड जानकारी दे देता हूँ, अभी फरवरी में, ये फरवरी का महीना चल रहा है, इस महीने में 15 और 16 तारीख को आपके गांव, आपके शहर के गवर्नमेंट स्कूलों में सभी मतदान केंद्र जो पीछे बनते हैं वहाँ पर जो BLO बैठेंगे, और 15 और 16 तारीख को आप अपना नया वोट बनवा सकते हैं। इसकी कंडीशंस ये है कि आपकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी हो, आप जो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपका आधार कार्ड है, आपका पहचान पत्र है, आपके फ़ोटो है, वो लेके वहाँ पर पहुँचें और अपना वोट वो बनवाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुल प्रत्याशी 1,169 थे, यानी जो 14वीं विधानसभा के लिए जिन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा था वो 1,169 प्रत्याशी थे। महिलाओं की संख्या 105 और एक ट्रांसजेंडर भी था इनमें शामिल। अगला क्वेश्चन देखें, रविशंकर झा हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट के 35वें चीफ जस्टिस बने हैं। दोस्तों रविशंकर झा हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के 35वें चीफ जस्टिस बने हैं। अगला क्वेश्चन देखें, चंडीगढ़ में देश का सबसे ऊंचा रावण जलाया गया 221 फीट। दोस्तों मैं आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पीछे 3-4 महीने पहले के हैं, और वैसे हम इसमें 6 महीने पहले तक की जो हरियाणा करंट है वो कवर कर रहे हैं, लेकिन उन 6 महीनों में भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवाए जा रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को नोट डाउन भी कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि आपके जो मित्र हैं, भाई बंधु हैं, जो भी HSSC की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आपको इनमें से कोई ना कोई तो मिलेगा करंट अफेयर के क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, हरियाणा में 10 लाख पशुओं का बीमा करवाया जाएगा। ये एक आंकड़ा रखा है हरियाणा सरकार ने कि 10 लाख पशुओं का बीमा करवाया जाएगा। दलीप सिंह राणा ने कुरुक्षेत्र में एक कुश्ती अकेडमी खोली है। दोस्तों दलीप सिंह राणा ये भारत के बहुत बड़े रेसलर रहे हैं, इंटरनेशनल रेसलर रहे हैं, इन्होंने अपना बहुत देश का बहुत नाम रोशन किया है। दलीप सिंह राणा से शायद आप ना समझ पाएँ, लेकिन ग्रेट खली के नाम से आप समझते होंगे। ग्रेट खली का ही जो रियल नेम है वो दलीप सिंह राणा है, फिलहाल पंजाब पुलिस में ये सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक कुश्ती अकेडमी खोली है जो युवाओं को तैयार करेंगे WWE के लिए। हरियाणा में अभी 518 गौशालाएँ पंजीकृत हैं। दोस्तों गौशालाएँ जो जहाँ पर गायों को रखा जाता है, हरियाणा में अभी 518 गौशालाएँ ही ऐसी हैं जो पंजीकृत हैं। वैसे गौशालाएँ तो बहुत हैं हरियाणा में, लेकिन यहाँ पर जिक्र है 518 गौशालाओं का जो कि पंजीकृत हैं। कपिल देव को मोतीलाल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का VC बनाया गया है। दोस्तों कपिल देव जो पीछे वर्ल्ड कप हुआ था 1983 का, वो कपिल देव का बहुत बड़ा योगदान रहा था। ये क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं कपिल देव, इनको मोतीलाल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा की जो है उसमें VC बनाया गया है, वाइस चांसलर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बजरंग पूनिया व विनेश फोगाट को 2019 का बेस्ट खिलाड़ी चुना गया है। बजरंग पूनिया ने अच्छा प्रदर्शन किया है, विनेश फोगाट ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 2019 का इन्हें बेस्ट खिलाड़ी चुना है। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हरियाणा के 4 जजों को सर्वोच्च
न्यायालय में जज बनाया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या 34 हो गई है। दोस्तों ये चार जज हैं जिनको प्रमोट करके सर्वोच्च न्यायालय में जज बना दिया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या 34 हो गई है। वैसे सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या 30 और 31 के बीच ही रहती है। अब ऐसा पहली बार हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या 34 हुई है। तो दोस्तों ये हमारे हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनको आप लिख भी सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और या फिर वीडियो को ध्यान से सुन सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी हरियाणा जीके का जो पार्ट है आपका करंट अफेयर का वो कवर कर सकें और आने वाले एग्ज़ाम्स में अपना स्कोर बेहतर बना सकें। धन्यवाद दोस्तों।